लोग फाइनली पहुंच चुके हैं तमकोही राज का किला। दोस्तों इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से आप लोग को तमकोही राज का जो भी किला है मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग को इधर के साइड में दिखाना चाहता हूं जो नया किला इस समय बनाया गया है, वो जो इस समय का जो भी लोग हैं दोस्त राजदरबार के सदस्य में से वो लोग इस समय इस तरीके का किला बनवाया है। दोस्तों मैं आप लोग को इधर के साइड में पीछे के साइड में दिखाना चाहता हूं। दोस्त इधर के साइड में आप देख पा रहे हैं दोस्त कितने अच्छी तरीके से पूरे जर्जर हो चुकी है पुरानी वाली जो किला राजा साहब ने जिसको बनवाए थे। दोस्तों इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से आप लोग को एकदम विधिवत रूप से दिखाने कोशिश करूंगा। यहाँ पर दोस्त जो फुहारे वगैरह लगाए जाते हैं वो कितनी अच्छी तरीके से लगाई गई है। दोस्तों इसके चारों साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी अच्छी तरीके से फूल पत्ती भी लगाई गई है। तो दोस्तों आप लोग को और आगे लेकर चलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्त इधर के साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ एक शेर जैसे आपको देखने को मिल रहा है दोस्त जो कि बाघ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जैसे आपको एकदम अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इधर के साइड से हम लेके आप लोगों को चल रहे हैं। दोस्तों अभी आप लोगों को लेके चलने वाले हैं जो इस समय नया घर जो बनवाया गया उस घर को भी आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों और आप लोगों को लेके चलते हैं आगे। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इधर के साइड में आपको दिखा रहा हूँ दोस्त जैसे आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से जो भी राज दरबार है उसको कितनी अच्छी तरीके से मरम्मत करके बनवा दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों इस समय यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से वायरिंग का भी काम कर दिया गया है जो कि इस समय के अनुसार। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को और इधर के साइड में अब आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो आप राज दरबार देख पा रहे हैं सबसे पुराना राज दरबार है जो कि दोस्त यहीं पर राजा साहब रहा करते थे इसी घर में। और दोस्तों यहीं से जो भी काम जो करना था राजा साहब को अपना काम यहीं से करते थे, यहीं से अपना राजपाट जो भी चलाना होता था वो चलाया करते थे। तो दोस्तों इस घर में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से घुस करके पूरा वीडियो बनाया हूँ। अगर दोस्तों इस वीडियो को और आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम फाइनली एकदम अच्छी तरीके से बाहर से ही वीडियो को दिखाने की कोशिश करूँ। इसी राज दरबार में राजा साहब आकर के यहीं से राज दरबार को अपना पूरा देखभाल किया करते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्त इधर के साइड से सामने जैसे हम आते हैं दोस्त यहाँ पे क्या होता है हमें दो सीढ़ियाँ मिलती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं बाएं साइड से एक सीढ़ी मिल जाता है और दूसरा साइड जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्त दाएं साइड से भी आपको एक सीढ़ी मिल जाता है देखने को। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को और आगे लेके चलता हूँ और आगे के दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्त इधर के साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से पूरे जो भी दीवार हैं जर्जर हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसके अंदर जो भी मैंने घुस करके वीडियो बनाया था उस वीडियो में मेरी जान जाने तक की डर थी जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस घर में जब मैं गया था तो उस समय काफ़ी इसमें सांप देखने को मिला, लेकिन फिर भी अपने जान का परवाह ना करते हुए दोस्तों मैंने वीडियो को अच्छी तरीके से बनाया हूँ। अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं और आप लोग को लेकर चलते हैं आगे और यहाँ के कुछ दृश्य को दिखाते हैं। दोस्तों इधर के साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं राज दरबार है कितनी पुरानी है फिर भी इसको मरम्मत करके कितनी अच्छी तरीके से बना दिया गया है। दोस्तों इधर के साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं अभी भी राज दरबार को काफ़ी मरम्मत किया जा रहा है दोस्तों और अच्छी तरीके से राज दरबार को बचा के रखने का काम किया जा रहा है। दोस्तों इस काम से हम काफ़ी प्रभावित हैं जिससे कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ऐसा जो काम हो रहा है दोस्त ये हम लोग तो जान गए हैं कि दोस्तों की राजा अभी हुआ करते थे अपने भारत देश में। तो दोस्तों इन चीज़ों को दिखाने के लिए और इन चीज़ों को बचा के रखने के लिए आज के समय में अच्छी तरीके से दोस्त यहाँ पर जो भी राज दरबार है उसको मरम्मत करके बनाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को और आगे साइड में लेकर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों इधर की साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं राज दरबार पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उग चुके हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को इधर के सामने के साइड में दिखाना चाहता हूँ जैसे आप ये घर देख पा रहे हैं इस घर के भी अंदर दोस्तों मैं बता दूँ आप लोग को जा करके यहाँ पे जो भी स्टाफ थे उन लोगों का मैं इंटरव्यू लिया हूँ। दोस्तों उस वीडियो का भी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप चाहें तो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और यहाँ के जो भी इतिहास है दोस्तों उसको मैंने अच्छी तरीके से जानकारी देने को उस वीडियो में कोशिश किया था जो कि यहाँ के जो भी लोग स्टाफ थे उनसे बात करके, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को और आगे साइड में लेकर चलते हैं। जैसे दोस्तों मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ इधर कुछ भाई लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपने अपने फोटो को शूट कर रहे हैं। और दोस्तों इधर की साइड से मैं एक बार आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाना चाहता हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं ये घर कितनी अच्छी खूबसूरती तरीके से बनाई गई है जो कि सच में कहा जाए तो राजा घर वाकई में राजा का घर है जो कि देखने लायक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग को इधर के साइड से भी आप लोग को साथों साथ दिखाते चल रहे हैं जितने भी जो है पुरानी जो है जो कि घर राज दरबार, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को इधर के साइड से भी आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इधर की साइड में कितने राज दरबार जो है वो जर्जर हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने जो भी पिछले वाले जो वीडियो मैं बना रहा था उस वीडियो में क्या हुआ था कि
हमने अंदर से ही सिर्फ और सिर्फ इस चीज को दिखाया हूँ, लेकिन इस समय दोस्तों मैं जो बात बता रहा हूँ कि राजदरबार काफी बड़ा है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आपको बाहर से घूम करके ही दिखाने वाले हैं कि राजदरबार कितना ये बड़ा था और कैसे कैसे इसमें था। तो दोस्तों इधर की साइड से मैं आप लोगों को यहाँ बाहर से एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर की साइड से मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्त, इधर से भी दरवाजा जैसे है जो कि खिड़की कहा जाए तो था दोस्तों, और इधर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मैं चीज़ बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर चलते हैं और आगे के साइड में और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इधर की साइड में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी भी ये राज दरबार जो है वो गिर रहा है, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। और भी मैं आप लोगों को लेकर चलते हैं और आगे के साइड में दोस्तों, ये जो भी आप हिस्सा देख पा रहे हैं इधर का भी जो दोस्त आप दृश्य देख पा रहे हैं जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सब दृश्य जो आप देख पा रहे हैं दोस्त ये सब राज दरबार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ और थोड़ा सा बाहर के साइड में इधर के साइड, और आप लोगों को और भी चीज़ें को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों मैं इधर से फाइनली एक बार पीछे के साइड से मैं पूरा एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ राज दरबार कितना हाइट का है। तो दोस्तों एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम फाइनली एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखा दिया हूँ, और राज दरबार को दिखाने के बाद से दोस्त हम चलते हैं और पीछे के साइड में। दोस्तों पीछे के साइड में भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पीछे के साइड में भी एक राज दरबार है जो कि दोस्तों हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अस्थायी निवासी लोग हैं मैं उन लोगों से काफ़ी बातें किया हूँ जिससे कि इसके बारे में जानने के लिए। पहले तो इसके बारे में हमने परमिशन लिया कि यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन दोस्तों हमको फाइनली परमिशन मिल गया है। तो दोस्तों इधर की साइड में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं कितनी जर्जर हो चुकी है राज दरबार, और जर्जर होने के बाद भी दोस्तों अभी तक ये कितनी मजबूती से टिकी हुई है। अगर दोस्तों ये अगर इस ज़माने का घर होता तो शायद ये इस तरीके का नहीं होता और आज तक कभी ना कभी कितना ही दिन में ढिमला गया होता। लेकिन दोस्तों राज दरबार में हमको लग रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो दीवार आप देख पा रहे हैं, दीवार की जो चौड़ाई है दोस्तों लगभग 40 इंच से कम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितनी मोटी दीवार पहले राजा साहब लोग बनवाया किया करते थे। तो इधर की साइड में दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि जो भी इस समय जो बलरे जो या जो भी कहा जाए बीम ढाल करके जो बनाया जाता था उस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे लकड़ी जो होता है लकड़ी की सहायता से अच्छी तरीके से जो बीम का काम किया जाता था तो वो किया जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं लेकर चलते हैं फाइनली और आगे की तरफ और आप लोगों को और आगे अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ के जो भी स्टाफ लोग थे उनसे बात किया था तो इस मंदिर के बारे में उन्होंने बताया कि जब जिस समय राज दरबार लगा करता था उसी समय का मंदिर है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बताया कि इस मंदिर को लगभग दो ढाई सौ साल पुराना ये मंदिर है। तो चलिए दोस्तों मैं फाइनली अब पहुँच चुके हैं लगभग जो राज दरबार का एक दूसरा हिस्सा जो हमें छत से मैंने पिछले वीडियो में देखा था उस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। तो इस वाले स्थान पर भी हम फाइनली आ चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं, अब राज दरबार के कुछ इधर के दृश्य दिखाना चाहते हैं दोस्तों। अभी हमने पिछले वीडियो में इधर का जो राज दरबार आप देख पा रहे हैं इस राज दरबार को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश किया था, और दोस्तों इसके अंदर घुस करके काफ़ी अच्छी तरीके से दृश्य लेने का कोशिश किया था। तो दोस्तों अब हम फाइनली लेकर चलने वाले हैं दोस्तों इधर की साइड में, और इधर के साइड में भी जो भी राज दरबार है दोस्तों उसको अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों हम फाइनली चलते हैं दोस्तों इस मतलब मैं आप लोगों को बता दूं इस पेड़ पौधों के अंदर अंदर से हम लोग फाइनली निकलने वाले हैं। और चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अब अंदर, और राज दरबार में क्या है कैसे है दोस्तों मैं आप लोगों को ए टू जेड चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग के पास सांप 3 बार सांप देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों मैंने अपने जान का परवाह ना करते हुए हम आप लोगों को और हमारे साथ में जो हमारे कैमरामैन है वो भी दोस्त दोनों लोग एक साथ अच्छी तरीके से हम लोग अंदर के साइड में जा रहे हैं और दिखाने का आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इधर के साइड में दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं इधर के साइड में जो भी हमारी जो राज दरबार की मकाने हैं वो जर्जर हो चुकी हैं, गिर रही हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को इधर की साइड में भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी पुरानी है जो राज दरबार है कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इधर के साइड में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं ये राज दरबार में छोटी छोटी जैसे घर बनाई गई है दोस्तों। मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या चीज़ है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राज दरबार कैसे हुआ करता था। तो इस वीडियो में आप लोगों को और आगे की तरफ मैं लेके चलता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इधर की साइड में कुछ बकरी जो हैं जो कि चल रही हैं दोस्तों, जो कि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं और आप लोग को और आगे के साइड में लेके चलते हैं।
और इधर के साइड में भी जो राजा साहब का राज दरबार का जो एक हिस्सा है मैं आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इधर के साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इधर बकरी और जो लोग आए हुए हैं इन सभी को चरा रहे हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ इन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आ रहा होगा हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को लेके चलते हैं और इधर के साइड में और आप लोगों को राज दरबार के अंदर अभी घुस के दिखाते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों हम लोग फाइनली इधर के पीछे के साइड में दिखाना चाहता हूँ इधर पीछे के साइड में क्या कुछ दृश्य दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप लोग को हम पीछे के साइड में कुछ दृश्य दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे के साइड में कितनी अच्छी तरीके से बागवान और खेती वगैरह की गई है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सब व्यू देखने के बाद से आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को और आगे चलता हूँ थोड़ा सा, जैसे इधर की साइड में दिखाना चाहता हूँ जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं दोस्तों यही राज दरबार का मैं लग रहा है जो बाउंड्री हुआ है जो कि राज दरबार का जो हिस्सा है दोस्तों वही हिस्सा है जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों मैं बाहर से एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं राज दरबार कितनी ऊँची है दोस्तों, जो कि इस समय का जो घर बन रहा है उसके मुकाबले अगर दो मंजिले इस समय का है दोस्तों इसका एक मंजिले के बराबर होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो दो मंजिला है इस समय का अगर जो घर बनता है तो इतनी हाइट में तीन मंजिला घर बनती है। तो चलिए दोस्तों हम फाइनली लेके चलते हैं आप लोगों को ये राज दरबार के आगे, और राज दरबार के आगे चलने के बाद से दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके अंदर घुसने वाले हैं और अंदर घुसने के बाद से दोस्तों इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं फाइनली अब इसके आगे, और आगे आने के बाद से दोस्त इसके अंदर चलेंगे और आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इधर के साइड में दो भाई जो दिखाना चाहते हैं, दो भाई खड़े लोग हैं, वो भाई जो हैं हमारे वो दोनों भाई लोग यूट्यूबर हैं जो कि हमसे मिले हुए थे। तो काफ़ी हमें प्रसन्न हुआ जो कि उन्होंने बताया कि भैया आप भी यूट्यूबर हैं, हम लोग भी यूट्यूबर हैं। तो हम उन लोगों से भी काफ़ी अच्छी तरीके से मुलाकात किए और जो भी उन लोगों के पास एक्सपीरियंस था हमने उनसे कुछ लिया और जो भी हमारे पास जो एक्सपीरियंस था मैं उन लोगों को भी दिया। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग को और आगे की तरफ से कुछ चलते हैं और आप लोग को अंदर के साइड में चलेंगे और आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। तो दोस्तों इधर की साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं फाइनली आगे साइड से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ राज दरबार किस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो हम लोग फाइनली चल रहे हैं राज दरबार के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर क्या चीज़ है कैसे है। तो दोस्तों एकदम अच्छी तरीके से आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर चलते हैं घर के अंदर, हम फाइनली पहुँच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ छत का जो दृश्य है जो कि दोस्तों उस वाले जो राज दरबार से काफ़ी अलग है, जो कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो आप राज दरबार देखे थे उसके अंदर काफ़ी दोस्तों लकड़ियों का प्रयोग किया गया था, जबकि ये जो आप राज दरबार देख पा रहे हैं दोस्त इसके अंदर लोहा का प्रयोग ज़्यादा किया गया है और इसमें लकड़ी का प्रयोग ना के बराबर किया गया है। तो दोस्तों एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को इधर के साइड से भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों मैं सीढ़ी को खोज रहा हूँ कि कहाँ से हमें ऊपर जाना है लेकिन सीढ़ी हमें नहीं दिखाई दे पा रही, जिससे कि दोस्तों मैं इस वाले छत के भी ऊपर चलूँ और आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँ। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को जहाँ पर मैं हूँ यहाँ से एकदम अच्छी तरीके से आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये वाला जो आप स्थान देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अभी अच्छा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी साफ सफाई देखने को मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी जिस जगह पे हम लोग गए हुए थे इसके पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ उस वीडियो में हम लोग के ऊपर एक तरह से कहे तो जान से भरा रिक्स हम लोग खेले हुए थे, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे घर में काफ़ी सांप देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों इस समय हम जहाँ पे हैं इस समय दोस्तों सांप वोप देखने को हमें बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम काफ़ी अच्छी तरीके से निफिक्र होकर के वीडियो को शूट कर रहे हैं। और दोस्तों मैं इधर पीछे के साइड में आना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों पीछे के साइड में हम आते हैं। तो दोस्तों इधर की साइड से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो राज दरबार आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से पली बनी हुई थी, इस समय जर्जर हो चुकी है। दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को बाहर के साइड से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोस्तों हम लोग फाइनली अब पहुँच चुके हैं राज दरबार के जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को इधर के साइड से भी राज दरबार को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आप राज दरबार देख पा रहे हैं दोस्तों इसके अंदर हमने फाइनली अच्छी तरीके से घुस करके दिखा दिया हूँ। और दोस्तों इधर के साइड से भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं राज दरबार के ऊपर
काफी पेड़ पौधे जम चुके हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम फाइनली लेके चलते हैं इधर के साइड से बाहर और बाहर के भी कुछ दृश्य को दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये राजदरबार काफ़ी बड़ा हुआ करता था जैसे आप देख पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस राजदरबार में जो भी राजदरबार हुआ करता था वो धीरे धीरे टूट फूट गई है, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जर्जर होकर के धीरे धीरे टूट करके नीचे ज़मीन पर गिर रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से धीरे धीरे आप लोगों को लेकर चलते हैं और बाहर के साइड में हमारे साथ जो दो भाई लोग आए हुए थे जो दोनों लोग यूट्यूबर हैं वो लोग हमारे सामने आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये दोनों भाई लोग भी वीडियो को अच्छी तरीके से शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन भाइयों से मिलने के बाद से हमें काफ़ी खुशी महसूस हुआ, ताकि यह हुआ दोस्तों कि हमारे साथ भी कोई एक दो बंदे मिले जो कि हम लोग के बात किए और हम लोग को यूट्यूबर के बारे में समझने का कोशिश किए। तो चलिए दोस्तों हमारी ये वीडियो अब यहीं पे द एंड होती है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।